नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 10th स्टैट्स करने वाले हैं। स्टार्ट ठीक है बेटा। 9th में भी पढ़ा था, स्टैट्स में पढ़ा था, मीन मीडियन मोड तीन नाम चीजें होती हैं। इस बार एक और करेंगे, दैट इज ओजाई ग्राफ करेंगे इसका। ठीक है, मीन अब हम करेंगे क्लास इंटरवल्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट बाय डे। जय माता दी, जय गुरु जी। आज हमने करना है मीन। इसका एक मेथड होता है डायरेक्ट, एक होता है शॉर्टकट और एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। तो सबसे पहले अभी हम करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, जो सबसे छोटा होता है इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले यहां आता है सी आई। इसको क्या बुलाते हैं? क्लास इंटर। फिर आता है यहां एफ आई। को क्या बुलाते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्लास इंटरवल्स क्यों आते हैं बेटा? देखो सीधी सी बात है, आपका स्कूल में पेपर होता है 80 मार्क्स का, तो मैम क्या कहती है? 47 मार्क्स वाला बच्चा खड़ा हो जाए, जिसके 62 आए वो खड़ा हो जाए। या मैम क्या कहती है? वो सारे बच्चे इंटेलिजेंट है जिनके 70 से 80 आए और वो खड़े हो जाए, वो सारे निकम्मे खड़े हो जाए जिनके 0 से 10 आए। तो मैडम ने क्या किया? इंटरवल बांट दी, राइट? तो ये इंटरवल्स उसमें आती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार अकर किया। हम यहां लिखते हैं एक्स आई। एक्स आई को क्या कहते हैं? दिस इज क्लास मार्क। कैसे कैलकुलेट होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय। तो यहां अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है। 0 प्लस 10 10, 10 बाय 2 इज 5, 10 प्लस 20 30 बाय 2 50, 25 35 45 एफ आई एक्स आई 35 120, 150 आई गेस, 140 आई गेस, ये 225 ऐड करेंगे 675, 3, 4, 5, 590, 610 and 670 आई गेस, सॉरी हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एफ आई का टोटल क्या होगा? 15, 21, 25, 30। तो भैया ये मीन का फॉर्मूला होगा, दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इसको ऐसे लिख लो सिग्मा को बीच में, इसका मतलब होता है सम करना, सबको ऐड करना। ठीक है, तो ऐसे स्टाइल में लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 670 अपॉन 30। ये आ गया 22.33 आई गेस, राइट? ये मेरा क्या है? छोटे क्वेश्चंस में चल जाता है, बट बच्चे क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जिसका मैथ्स वीक होता है ना, वो सिर्फ एक ये मेथड याद करके बैठता है। इस मेथड से नहीं करना है, क्योंकि जब मुश्किल कैलकुलेशन आती है इसमें बैड बच्चा है। आपको तीनों मेथड आने चाहिए, पेपर में कोई भी मेथड पूछा जा सकता है। ठीक है, करिए इसको। ठीक है बच्चा, पार्ट अगला मेथड करते हैं, शॉर्टकट या एज्यूम। सेम क्वेश्चन है, अब हम एक्स आई लिखते हैं। एज्यूम मीन क्या होता है? इज मिडल वैल्यू। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 ये मेरा क्या हो गया? एज्यूम। इन केस यू हैड इवन ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर होता, देन
टेक एनी मिनट, कोई दिक्कत, मतलब अब एग्जांपल दे रहा हूं सर, अगर यहां 55 लिखो, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए, तो आपकी मर्जी, आप 25 को ले लो चाहे 35, लड़ाई नहीं है उसकी, ठीक है। मेरा बीच वाली वैल्यू पे होता है, इजी हो जाता है। यहां हम लिखते हैं डीआई, जो होता है एक्स आई माइनस, डीआई का मतलब होता है डेविएशन। तो ये 15 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 0 10 और 20, फिर लिखते हैं एफ आई डी आई, तो माइनस 20 इंटू 7 माइनस 10 इंटू 8 शून्य इंटू समथिंग 10 इंटू 4 20 इंटू 5। मेरे को आदत है, मैं हमेशा पॉजिटिव वाले नंबर जीरो के नीचे ये है, इनको अलग कर दिए, इनको अलग सॉल्व कर। अब माइनस 220 और प्लस 140 क्या आएगा, ठीक है। यहां पे फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या होता है, एज्यूम 25 प्लस माइनस 80 अपॉन 3, 25 प्लस माइनस माइनस हो गया। मैं अपने, आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हो, मैं हमेशा इसी को ही सॉल्व करता हूं, क्योंकि एलसीएम में बहुत बच्चे गलती करते हैं, बाकी इट इज टोटली अप टू यू। पिछले वाले का भी आप क्वेश्चन कर, जब डायरेक्ट से किया था तब ये आंसर आंसर वही आएगा, आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा, ठीक है। ये है हमारा शॉर्टकट या एज्यूमिंग, क्यों कहते हैं, बिकॉज इसने क्या किया, यहां पे हमें थोड़ी छोटी कैलकुलेशन, ठीक है, वहां पे हमने 670 किया था टोटल, यहां सिर्फ माइनस 80 किया, तो छोटी होगी कैलकुलेशन, इसलिए शॉर्टकट। क्लियर बच्चे, करिए नोट। नेक्स्ट वी मूव टू स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन क्या कहता है, अब यहां पे यहां तक चलेगा, अब यहां पे यू आई आ जाता है, यू आई इज डी आई अपॉन एच, यहां लिख रहा हूं स्टार मार्क करके, एच 99% ऑफ टाइम्स इज क्लास साइज, अगर क्लासेस अनइक्वल या डिसकॉन्टिन्यूस अनइक्वल, तो टेक एनी वैल्यू यू वांट, एच इज 99% ऑफ द टाइम क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है, 0 से 10, ये क्लास साइज कितना है इसका, 10 है, दोनों डिफरेंस कितना है 10, तो यू आई यहां पे क्या हो गया, डी आई माइनस 20 बाय 10, तो माइनस 2 माइनस 1 0, 1, फिर कॉलम आएगा एफ आई यू आई, माइनस 2 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 8 0 इंटू समथिंग 1 इंटू 4 2 इंटू 14 माइनस 20, तो ये आ गया माइनस। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन ए प्लस एच, यहां डिवाइड कर रहा था तो मल्टीप्लाई होगा, ट्वेंटी फाइव प्लस 10 इंटू माइनस 8 बाय 3, तो आप आंसर देख सकते हो, तीनों केसेस में आंसर कभी भी आपके पास अलग नहीं आएगा, सेम आएगा, आप जिस मर्जी से करें कोई लड़ाई नहीं। क्लियर बात बेटा, करिए नोट, जय माता।
एक क्वेश्चन है डिसकॉन्टिन्यूस क्लासेस, क्लासेस या कॉन्टिन्यूस, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इसको कॉन्टिन्यूस बनाने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आप यहाँ एक्स ही सीधा लिख सकते हो। अब 40 प्लस 49 कितना होगा, 89, 89 बाई 2 कितना होगा, एक गंदी सी शक्ल ही आएगी। इसमें कोई घबराना नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, डिसकॉन्टिन्यूस है होने दो, आपको कॉन्टिन्यूस नहीं बनाना होता। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस बनाओगे भी तब भी सेम एक्स ही है, आप करके देख सकते। मैंने क्या किया, एज्यूम मीन लेने। अब देखिए, एक दो तीन चार पांच छह, छह है, इट इज टोटली योर कॉल कि आप किसको लेना चाहते हैं। मैंने इसको सपोज कर लिया थर्ड नंबर, तो आपकी मर्जी, आप फोर्थ को भी ले सकते। ये बन गया माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, और इजी कर देते हैं इसको, UI, DI upon H। मैंने कहा था 99% ऑफ द टाइम्स क्या होता है, H इज योर क्लास साइज। अब यहां क्लास साइज है 9, अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो यार मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, देखो सारे 10 पे जा रहे, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैंने h किसको ले लिया, यहां पे 10 को ले लिया। मैंने वही लिखा था, इट इज अप टू यू, आप क्या लेना चाहते हैं, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। f by u है माइनस 2 इंटू 11, माइनस 1 इंटू 14, 0 इंटू 15, 1 इंटू 12, 2 इंटू 5, 3 इंटू दिस, 49, 59, 61 शायद, ये माइनस 36, तो ये आपके पास कितना आ गया, प्लस 25। अब देखो ये इतना इजी है, बच्चे जो डायरेक्ट मेथड करने बैठते हैं वो पागल हो जाएंगे, इनको ही मल्टीप्लाई करते हो, लुट गए वो। तो प्लीज बड़ी रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट मेथड अकेला नहीं याद रखना कि ओ ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान हो गया। देखो डायरेक्ट में तो आप पागल हो जाते, तो हमने उसको इस मेथड से किया, सबसे आसान हो गया। क्वेश्चन हमारा मीन क्या होगा, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, 64.5 प्लस एच 10 है, 25 अपॉन एफ आई, एफ आई कितना है, इसका एड किया 25, 40, 52, 57, 70। कर लेते हैं इसको, आप करोगे तो ये आ जाएगा 3.4557, तो बाबूजी ये बन गया आपके पास 67.68.07 इज मच क्लियर बात। तो हमने सबसे पहला एग्जांपल किया जिसमें कॉन्टिन्यूस क्लासेस थी, ये डिसकॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस को डिसकॉन्टिन्यूस ही रहना देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास साइज ये एच जो होगा आपने देख लेना, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है उससे डिवाइड किया, जय माता दी क्वेश्चन का, क्लियर बात, करिए नोट, शाबाश। अब आती है अगली टाइम,
एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, आपको वो फ्रीक्वेंसी निकालनी, सिंगल फ्रीक्वेंसी मिस, आपको मीन गिवन है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन, हाउ डू वी गो अबाउट इट, अगेन इट्स योर चॉइस टोटली. एक्साई लिखा सबसे पहले, एज्यूम मीन ले लेते, डीआई लिखा, माइनस 40, माइनस 20, 0, 10, ओ सॉरी 20, 40, यूआई भी लिख लिया, यहाँ 20 है क्लास से, तो 20 से डिवाइड करेंगे, एफआई यूआई, माइनस 2 × 7, माइनस 40, माइनस 1 × पप्पू, माइनस पप्पू, 0 × something 0, 9, 26, ये 35 हो, और ये माइनस 14 है, 35 − 14 = 21, माइनस पी, बेटा पी ना माइनस करके, बच्चे क्या करते हैं 20p लिख देते हैं इसको, भैया ऐसे ना करना, ठीक है ना सर, 1 माइनस हो गया, 21 माइनस, ये क्या बना, 22, 32, 39, फॉर्मूला क्या था, ये 54 गिवन है, एज्यूम मीन क्या था 50, एच क्या था 20, तो देखो ये 50 यहां प्लस हो रहा था, वहां जाके माइनस कर दो, 4 = 20, अब ये 4 देखो मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर है, यहीं पे गलतियां होती हैं, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 21 = 105 − 5, 6p आ जाएगा यहां पे आपके पास, ये यहां पे माइनस हो जाएगा 105 में से, आई गेस ये शायद 66 रह जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पी अंकल आ जाएंगे हमारे पास, अब यहां पे भी अगर आप सबको मल्टीप्लाई करते हैं इट वुड हैव बीन अ लिटिल टीडियस, थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती, तो आई हैव डन लाइक दिस, सिंगल फ्रीक्वेंसी हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है बेटा करिए ध्यान से. Yep. अब ये क्वेश्चन आया अगला, डबल फ्रीक्वेंसी है जहां मिसिंग, दो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग, पिछले क्वेश्चन में हमने सिंगल फ्रीक्वेंसी की, अब हम डबल फ्रीक्वेंसी करें, तो लेट्स सी इसको कैसे करेंगे, अगेन वी राइट आवर एक्सरसाइज, सबसे पहले 10 आ गया, 30, 50, 70, 90, तो इसको एज्यूम मीन ले लिया, बीच वाली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज, यहाँ डी आई लिखा, माइनस 40, माइनस 20, 0, 20, 40, फिर यू आई लिखा, माइनस 20 से डिवाइड कर दें, 20 है क्लास में, सिंपल, एफ आई यू आई, माइनस 34, माइनस एफ 1, 0, एफ 2, 38, तो 38 और माइनस 34 है, क्या रह गया, 4, माइनस एफ 1 प्लस है, मीन कितना गिवन है 50, ए हमने क्या लिया, बोला ये भी 50 है, बल्ले बल्ले हो गई है, तो किस्मत है, हर बार नहीं किस्मत ऐसी होगी, एच कितना लिया 20,
ये 4 माइनस एफ वन प्लस एफ अपॉन बेटा टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 120, ये 50 वहां चला गया जीरो हो गया, ये 1 पे, ये 6 पे, ये 6 भी बॉर्डर पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 इज 0, सो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एफ वन प्लस एफ, और आई कैन राइट इट लाइक एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू 4। अब ये तो एक इक्वेशन बन, दूसरी इक्वेशन कहां से निकाल, सो दूसरी इक्वेशन हम निकालेंगे ध्यान से देखना यहां से 17 प्लस 32 49 प्लस 19 68, तो ये बनता है 68 प्लस एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू 120, तो एफ वन प्लस एफ टू आपके पास आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 52। दो फ्रीक्वेंसी दो इक्वेशन आ गई ना, सॉल्व इट आउट, एफ वन माइनस एफ टू इज 4, एफ वन प्लस एफ टू इज 52, ये कैंसिल ऐड होके 2f1 कितना आ गया 56 बेटा, f1 कितना आ जाएगा 28, f1 28 आ गया, आपने यहां पुट किया 28 माइनस f2 इज 4, f2 कितना आ जाएगा बच्चे 20, क्लियर। सारी गेम है कैलकुलेशन, जितनी कैलकुलेशन आप खुद करोगे, अगर आप कैलकुलेटर पे लगे आप मर गए, जितनी खुद करोगे और गलतियां करोगे उतना ही अच्छा, यहाँ पे गलतियां होंगी और अच्छी बात है होने देना, वहां उसको काटना दोबारा करना, क्वेश्चन टेंशन नहीं लेनी है, 10 बार गलत करोगे क्या हो जाए, पर करना खुद है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे आज, ये पूरा का पूरा मीन है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 3 या 4 नंबर का गेम है, डबल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सिंगल आ जाएगी, डिसकंटीन्यूअस आ जाएगा या कंटीन्यूअस आ जाएगा, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं, दैट इज ऑल व्हाट मीन इज ऑल अबाउट। अगली क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग मीडियन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय माता दी, जय बच्चे।